हमारा मकसद कतई अंधविश्वास फैलाना या लोगों को गुमराह करना नहीं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा से जो पानी गिर रहा है उसके रहस्य से पर्दा हटना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। सरकारी अमले ने भी यही भरोसा दिया है कि इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं, जल्द ही विशेषज्ञों की टीम आएगी और सच्चाई से पर्दा हटाएगी। देखिए, मैंने देखा कि चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा से जहाँ पे धोती बनी हुई है वहाँ पे जल टपक रहा है, और मैंने जल देखने के बाद में, चूंकि मैं विश्वासी हूँ, मैंने माना कि ये आंसू नहीं है, दिल के आंसू हैं, आँख के आंसू नहीं है, और ये जल नहीं है, आत्मा रो रही है। ऐसी परिस्थितियों में मैं उद्यान अधिकारी से मिला और मैंने बताया कि ये स्थिति है, वहाँ पे आप चल के जाँच करिए और देखिए इसको और उस स्तर पर पहुँचाइए कि मामला क्या है, और अगर चंद्रशेखर आजाद की आत्मा रो रही है तो देश और आने वाले के लिए सुरक्षण नहीं है। और मैं निरंतर 15 दिन से आकर के इस जल को मत्थे पर लगा करके यहाँ से देशवासियों के लिए नमन करने के, देशवासियों के हित के लिए निकलता हूँ, और मैं निरंतर यहाँ देख रहा हूँ पानी निकल रहा है, और इसकी जाँच कराई जाए, और जाँच कराने के बाद अगर सही पाया जा रहा है तो पूरे देशवासियों को बताया जाए, जिससे देशवासी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को ठीक से समझ सके। ये आत्मा के आंसू हैं, ये आत्मा का आंसू, इसमें कोई बहस की जगह नहीं है, क्योंकि कांस्य की प्रतिमा तो पूरे देश में बहुत सारी लगी हुई, कभी ऐसा नहीं हो रहा है, और यहाँ पे 2 साल से निरंतर निकल रहा है, और पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पे काई बन गई है, वहाँ से जहाँ से निकल रही है, और बॉडी के ऊपर से नहीं, अंदर से निकल रहे हैं, ये दिल के आंसू हैं, और दिल के आंसू हैं तो चंद्रशेखर आजाद की आत्मा कहीं रो रही है, और ये देश के लिए गंभीर विषय है। इसकी उच्च स्तरीय जाँच करा लें, चाहे कुछ भी करा लें, देशवासियों के लिए, मतदाताओं के लिए ये संदेश है कि सावधान हो जाएं, देश के लिए काम करें। यहाँ भीड़ इसलिए लगी है, ये चंद्रशेखर आजाद जी का पार्क है, शहीद स्थल है, यहाँ लोग आते हैं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि भी देने के लिए यहाँ लोग आते हैं। तो जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं, ये बूंद बूंद पानी जो रिस रहा है ये आश्चर्य की बात है। यहाँ लोग देख रहे हैं तो ये कहते हैं ये कहाँ से, मतलब सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जैसा भी हो, वो बूंद बूंद पानी रिसना बंद नहीं हो रहा है। जितने भी लोग आ रहे हैं देख रहे हैं दर्शन करके, लग रहा है कि आंसू है कि क्या है, इसको देखते हैं लोग, पहले तो माथे पर टीका लगाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। सोचने की बात है कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये इस पर रिसर्च होना चाहिए और देखना चाहिए कि ये क्या है क्या नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये क्या है? ये अब ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि क्या है और क्या नहीं है, लेकिन हाँ, ये बूंद बूंद जो पानी आ रहा है ये आश्चर्य की बात जरूर है, विषय जरूर है इसका, इसको देखना चाहिए और इसका रिसर्च जरूर करना चाहिए कि आंसू हैं, रो रहे हैं, क्या है। जैसे जैसे लोगों का मत है वैसे वैसे विषय बनते जा रहे हैं जी, सच्चाई का उनका पता लगाना चाहिए। जी बताइए, कहाँ आए हैं, क्या देखने आए हैं, क्या कुछ देख रहे हैं आप और क्या चाहते हैं? जी, मैं कंपनी बाग में चंद्रशेखर आज़ाद जी की स्टेचू के पास खड़ा हूँ, और यहाँ पे रजनीकांत भाई ने मुझे बताया था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति से जो है पानी टपकता है, तो मैं आया और देखा यहाँ पे, वो लगातार बूंद की तरह निकलता है, निरंतर निकलता रहता है। तो मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि ये जो है पानी नहीं है, उनके आत्मा के आंसू हैं, इसको हमें गंभीर रूप में समझना चाहिए और देखना चाहिए कि ये है क्या चीज़। आंसू इसलिए लगता है सर कि ये, क्योंकि बाहर के उनके आँख से नहीं निकलता है, ये मूर्ति के अंदर से निकलता है, और इस पर गंभीर तरीके से जांच होना चाहिए और देखना चाहिए ये क्या है। जी, क्या लगता है आपको? जी, लगता है कि उनके आत्मा के आंसू और हमारे देश संकट में है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए सर। जी सर, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं और वो इस पानी को जो है अपने मत्थे से लगाते हैं और टीका लगा के वापस चले जाते हैं दर्शन करके इनके। जी, ये अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क जी की शहीद स्थली है, ये प्रतिमा वर्ष 1991 में लगाई गई थी यहाँ पर, और वर्तमान में कुछ लोगों द्वारा अवगत कराया गया है कि इसमें पैरों के पास से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, तो इसका अभी हमने भी अवलोकित किया है कि यहाँ पानी इसमें टपक रहा है, अभी देखा गया वहाँ पर छोटा सा एक क्रैक भी है, तो उस क्रैक में किस तरीके से पानी आ रहा है, क्या तकनीकी है उस पानी आने की, उसके बारे में इंटेक एक ऐतिहासिक विरासत स्थलों को संरक्षित करने वाली संस्था है, तो उनसे संपर्क किया गया है और वो इसमें परीक्षण करेंगे, और इस मूर्ति की साफ़ सफाई भी होनी है, 2-3 दिनों के अंदर वो भी साफ़ सफाई का काम प्रारंभ हो जाएगा और पॉलिश वगैरह का काम करवाया जाएगा इसमें। किस तरीके से जांच कराएंगे और क्या कुछ? नहीं, अब ये तो जो संस्था होगी, इंटेक संस्था है, वो आके इसका परीक्षण करेगी कि पानी क्या अंदर इवेपोरेशन के माध्यम से क्या बन रहा है, या जो जैसे ठंड का मौसम होता है आप वाष्प अंदर जम जाती है, उससे भी हो सकता है, किस तरीके से है ये, वो संस्था ही बेहतर तरीके से बता पाएगी। अभी तो देखिए दोपहर है, तेज जी, उसके बावजूद पानी रहता है। नहीं, क्योंकि मेटल की धात होती हैं और ठंडी का सीजन है, तो होता है एक्चुअल में क्या है, जैसे
दिन में जो भाप बनती है, रात में इतना टेम्परेचर कम हो जाता है कि वो भाप जो है पानी में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे ओस बनती है। एक्चुअल में हमको जैसे वातावरण में भी इस समय तो देखेंगे कि आपको पूरा कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी, और रात में यही आप देखेंगे तो पत्तियों के ऊपर बूंद बूंद ओस दिखाई पड़ती है। उसी तरीके चूँकि ये मेटल की बनी हुई है और ये वायुमंडल जो हमारा टेम्परेचर है उससे अभी ठंडी है, आप इसको टच करके देखिएगा ठंडी हुई, तो एक संभावित कारण इसका यह भी हो सकता है कि जिसको इसके अंदर क्योंकि एक क्रैक दिख रहा है उसके माध्यम से वाष्प गई हो अंदर इसके, और वो इस स्टैचू की ठंडी होने के कारण जो है वो बूंद में कन्वर्ट हो गई हो और वो पानी के रूप में आ रही हो। ये भरी गर्मियों में भी जला रहा। लेकिन ये बताइए कि ये लोग कुछ और कह रहे हैं तो कैसे? नहीं, वही चीज़ बताया कि अब इस चीज़ के बारे में जो संस्था हमारी है इंटेक संस्था जो ऐतिहासिक विरासतों का संरक्षण करती है वो बहुत अच्छे से इसको बता पाएगी कि साइंटिफिक रीजन क्या है। बिल्कुल कब तक आएगी? वो एक बार स्टैचू का देख के गए हैं, 2-3 दिनों में उनकी जो टीम है वो आएगी, इसको साफ सफाई करना है और पॉलिशिंग करना है और इसको जो भी मेंटेनेंस संरक्षण और होगा वो भी कराएंगे उनसे। बिल्कुल। लेकिन आप भी देख रहे हैं कि पानी आ रहा है? बिल्कुल। क्या चीज़ देखा आपने अभी? नहीं, यहाँ पैर के पास जो है कर लीजिए इधर से ही, तो बूंद बूंद पानी टपक रहा है इनकी धोती के पास। देखिए, विज्ञान के हिसाब से जो पानी निकल रहा है पाँव के पास से, तो निश्चित तौर पे पानी का कोई सोर्स होना चाहिए, वहाँ पे कोई स्रोत हो, पानी वो अंदर जा रहा है फिर निकल रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उस प्रतिमा में पानी का कोई सोर्स नहीं बनाया गया है। और क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि वो डैमेज करेगा कहीं ना कहीं से। तो पानी का सोर्स जो है उसके रूप में दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो कहीं प्रतिमा में क्रैक हो, उसके थ्रू शीत या ओस जो पड़ती है वो कहीं रिस के अंदर जा रही हो, वही नीचे से गिर रही हो, या ये हो सकता है कि कोई क्रैक हो, उसी क्रैक से हवा अंदर जा रही है, उस हवा में नमी बहुत है, वो नमी जब अंदर जा रही है, रात का समय होता होगा और टेम्परेचर डाउन होता है, तो कंडेंस हो जा रहा है, जो वेपर फॉर्म में है नमी वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ जा रही, पानी बन जा रही, वही पानी धीरे धीरे गिर रहा होगा। तो विज्ञान के हिसाब से इसकी यही वजह हो सकती है पानी गिरने की, कोई चमत्कार जैसी चीज़ या आत्मा के रोने जैसी चीज़ मुझे तो नहीं समझ में आ रही है। इसका पता लगाने के लिए है कि अगर इसको कहीं से सील कर दिया जाए, एयर बिल्कुल ना जाए उसके नीचे, तो मेरे ख्याल से इस पानी का निकलना बंद हो जाएगा। अगर हम हवा का स्रोत कट कर दें बिल्कुल, हमारे कट करने के 1-2 दिन तक बाद तक हो सकते, क्योंकि जो ग्लास कॉलम अगर एक बना दें उसके अंदर पैक कर दें इसको, तो उसमें इतनी एयर होगी, वो तो हो सकता है 2-1 दिन चले, लेकिन कुछ दिन बाद वो बंद हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि स्रोत नहीं होगा पानी का तो पानी निकल नहीं सकता उसमें से। पानी बनने जैसी कोई प्रक्रिया प्रतिमा के अंदर तो संभव नहीं है, कोई ना कोई स्रोत पानी का होना चाहिए। तो स्रोत हमको लगता है कि वो हवा है जिसमें पर्याप्त नमी है, वो रात में कंडेंस हो जा रही है नमी, और टेम्परेचर डाउन होता है कंडेंस हो जाती है, कंडेंस होने के बाद वही जो चीज़ है वो पानी के फॉर्म में धीरे 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 रिस के निकल रही है। नहीं, मिराकल कतई नहीं, कोई चमत्कार मुझे नहीं दिखता इसमें, चमत्कार की चीज़ नहीं दिखती है। तमाम चीज़ें हम, वो प्रतिमा जो बनी है ठीक है, वो साइंटिफिकली ही बनाई गई है, जो भी पहले ही बनती रही प्रतिमाएँ तो साइंटिफिकली ही बनाई जाती रही, जो इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा हुई है, चमत्कार से नहीं बनती हैं प्रतिमाएँ कभी। और हमारे तो धर्मशास्त्रों में भी देखा जाए तो रियलिटी को ही असल चीज़ माना गया है, चमत्कार नहीं माना गया है। तो इस तरह के पानी निकलने की चीज़ को चमत्कार का नाम तो मैं नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से पानी का स्रोत होना चाहिए, और पानी का स्रोत वो हवा ही है जिसमें नमी पर्याप्त है, उसी वजह से पानी निकल रहा है वहाँ से। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।